होगा। एक टोल फ्री नंबर हमने दिया है, वो हम पूरे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र में फैला देंगे, वायरल करवा देंगे, ताकि एक गरीब सिर्फ अगर मिस कॉल भी देता है तब वो हम फोन करें, और अगर वो फोन करके सिर्फ अपनी बातों को रखता है, बातें रिकॉर्ड होगी, वो बातें हमारे पास पहुँचेंगी, हमारे पास एक टीम होगी, वो टीम उसका आकलन करने के बाद संबंधित जिला के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके पास जाएगा, और वो जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के भेज के उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अगर उनके लायक होगा कि वो अपने वहाँ के लोकल अधिकारियों से मैनेजमेंट होकर उनका जो उनकी जो समस्या है उनका निदान कर देते हैं तो ठीक है, अगर उनसे नहीं होगा तो प्रेषित हमारे पास जिला में जिला के द्वारा यहाँ आएगा, यहाँ पर जो कमेटी है फिर उसको अपने स्तर से एड्रेस करेगी, कोशिश करेगी समाधान करने का, और नहीं तो फिर हम लोग सब मिल करके सरकार से बात कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे किस स्तर पर होगा उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे, हम लोग एक छोटा प्रयास है ताकि जनता से हम जुड़ सकें, उनकी जो समस्या उनका निदान कर सकें, आगे देखते हैं जो भी जैसा भी होगा आप सबको सूचित करते रहेंगे। स्थापना दिवस पर नहीं थे, क्या कुछ कारण रहा? नहीं, कारण कुछ नहीं है, देखिए हमारा राष्ट्रीय कार्यकाल गया में है, और राष्ट्रीय कार्यालय में और वहाँ गया में भी एक भव्य कार्यक्रम इस तरह का हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए वहाँ चले गए हैं, और 3800 जिले में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, सब जगह कोई ना कोई प्रदेश से हमारा पदाधिकारी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमको यहाँ का जिम्मा सौंपा गया था, मैं यहाँ पर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गया में हैं, और भी हमारे जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जगह पर प्रभारी इस तरह कार्य कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर अन्य पार्टियां अभी तैयारी में लग चुकी हैं, हम का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, चुनाव में जाएगी या क्या, कितनी मजबूती से तैयारियां हो रही हैं? देखिए हम का संगठन यूपी में आज से 4 साल 5 साल से है, लेकिन उस समय हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आपको मैं इतना ही कहता हूँ कि इस पर कोई अभी हम लोग का स्पष्ट वक्तव्य नहीं है कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश जा करके इस संभावना को तलाशेंगे, फिर देखेंगे, हम 10 दिनों के अंदर आप सबको सूचित करेंगे कि हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, हम 1 तारीख को जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ जा करके अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और लोगों से साथी लोगों से मिलेंगे, अगर उनका सुझाव आएगा और हम समझेंगे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं तो हम निश्चित चुनाव। मंत्री जी, यूपी के गरीबों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी करेंगे क्या? वहाँ भी गरीब, जाहिर सी बात टोल फ्री इंटरनेट का नंबर है, ये नंबर तो सभी जगह जाएगा, और वहाँ पर जब हमारा प्रसार प्रसार होगा तो वहाँ पर भी ये नंबर जाएगा, ये नंबर से हम यहाँ सुनेंगे, कहीं भी हमारा एक आदमी जाएगा दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय बनाएंगे वहाँ पर ही नंबर चला जाएगा। उस नंबर का भी कार्यक्रम है यूपी जाने का या सिर्फ पहले दौर में आप? अभी उनका नहीं है कार्यक्रम, पहले हम जाएंगे अपने साथियों से मिलेंगे, और हम अगर इसी सम्मान समझते हैं कि हमें वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए तो वो भी जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, फिर आपको सूचित भी करेंगे, हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे आपसे। आपकी सहयोगी दल बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, कुछ गठबंधन पर बात हो चुनाव में जाने? देखिए अभी प्री मैच्योर है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ हमारी क्या हमारे कार्यकर्ताओं में कितनी क्षमता है, कितना संगठन का विस्तार हो गया है और क्या वो समझते हैं, उस हिसाब से बात करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर अलग हमारा इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, अभी हम इस स्तर पर कुछ नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद। जातिगत जनगणना को लेकर के जो है केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अगर हमसे व्यक्तिगत तौर पर पूछते हैं तो जातिगत जनगणना खास करके गरीबों के, जो हमारी पार्टी है गरीब का जो एडवोकेसी करती है और गरीब में जो दलित की संख्या ज़्यादा होता है, अगर ये हो जाने से थोड़ा सा ये होगा कि उनके बारे में पता चल जाएगा तो हम आरक्षण की बात है चाहे और भी सुविधाएं की बात है तो उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, हो सकता है कि हम जिस समाज के बारे में आज जान रहे हैं कितनी संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मेरा निजी है, और सरकार भी केंद्र सरकार भी इस ओर अग्रसर है, आप देखें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की जनगणना की बात सरकार ने स्वीकार किया, आने वाला समय में आप देखेंगे कि हम सब मिलकर बात करेंगे तो अति पिछड़ा पिछड़ा भाई सभी के लिए होगा और हम इसके प्रति आशान्वित हैं और पूरी तरह पॉजिटिव हैं। मंत्री जी आप भी चाह रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं जातीय जनगणना हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही, क्या कारण हो सकता है? देखिए ऐसी कोई कारण नहीं है, हम लोग बैठ के बात करेंगे, ऐसी कोई स्पष्टता आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।